हम लोग क्लास नर्सरी का हिंदी रीडर और राइम्स लेकर आए हैं। 9 तक उन लोगों का पहले हो चुका है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में। अभी प से स्टार्ट होगा, तो प से पतंग, फ से फल, ब से बतख। आप इसके अलावा ऑप्शनल वर्ड भी, जैसे ब से बतख अगर बच्चा नहीं बोल पाता है, तो जैसे ब से बस बहुत ईजी होता है, तो आप यू नो बस भी करा सकते हो। भ से भगत, म से मछली। तो आप ऑप्शनल रखिए, वो जो भी कुछ भी ये पर्टिकुलर वर्ड है, जैसे म है तो म से मन, म से माँ, कुछ भी वो बोल सकता है। नीचे देखे चित्र संबंधित अक्षर पर गोल करें। ये बतख है तो ब पर ऐसे गोल करना है। ये भगत है तो भ से भगत। ये फ से फल, प से पतंग। ख, चित्र की शुरू की आवाज लिखे। ये है ढक्कन तो ये ढ होगा। ये है आम, ये है जग, ये है फल, ये है टमाटर से ट। चित्रों का सही अक्षर से मिलान करें। छोटा उसे उल्लू, ब से बत्तख, घ से घड़ा, ध से धन, क से कछुआ, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, ब से बक। चित्र की शुरू की आवाज लिखे। ये है छोटा उसे उल्लू, थ से थर्मस, अ से अनार, आ से आम, बड़ा उसे ऊंट, ओ से ओखली। सही अक्षर लिखकर शब्दों को पूरा करना। ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है। तो य ग यज्ञ, रथ रथ, फल अफल। ये लैमिनेटेड बुक है इसलिए थोड़ा आपको लाइट दिख रहा होगा, इसलिए मैं डिक्टेट कर रही हूँ। तो आप इसको जेल पेन या फिर स्केच पेन से करेंगे प्लीज़। स से सलजम, स से, इस सौ में अलग अलग 300 होती है, हम लोग सभी जानते हैं। तो ये होता है तालब स, ये होता है पेट कटा स या मूर्धनि स, ये होता है दंती स। तो सबसे ज़्यादा यूजुअल ये होता है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। और तालाब सा और मूर्धनि सा जो होता है पेट कटा सा, ये कुछ स्पेशल वर्ड, ये तो बहुत ही स्पेशल होता है कि आप मोर देन 1000 वर्ड्स कुछ लिखते हो तो ये लगता है। लेकिन 100 वर्ड्स में ये तालाब सा जो है वो यूज़ होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को, बच्चों को बतानी है। स से सपेड़ा, ह से हल, चित्रों को देखकर शुरू की आवाज़ लिखें। पहला अक्षर लिखना है शुरू की आवाज़। हम लोग इसको कॉपी वर्क जब कराते हैं तो पहला अक्षर रूप करते हैं। ओखली तो ओ हो गया, पेट कटा स, मूर्धनि स से षटकोण, ह से हल, स से सलगम तालाब स से, ट से टमाटर, स से सपेरा। चित्रों को सही अक्षर से मिलान करें। तो ये हो गया यज्ञ, ये हो गया धन, ढ से ढक्कन, क से कछुआ। चित्रों के अनुसार सही अक्षर के सामने निशान लगाएं। तो ये हो गया ह से हाथ, स से षटकोण, स से सलगम, थ से थर्मस, स से सपेरा, ह से हल, ब से बक, ध से धन। छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, स्र से श्रमिक, र से सरक, ढ से पढ़ना। नीचे दिए गए चित्रों को संबंधित पर हम लोग को वही है, फर्स्ट लेटर को गोल करना है। त्र से त्रिशूल तो इसको सर्कल करना है। यह है ज्ञ से ज्ञानी, गोल करना है। स्र से श्रमिक, श्रमिक पर गोल करना है। छ से क्षत्रिय, चित्रों के अनुसार सही शब्द के सामने निशान लगा। त्रिशूल ज्ञानी, क्षत्रिय श्रमिक। और आपको स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण अ से अ तक, व्यंजन वर्ण क से लेकर ह तक, अपने बच्चों को पूरा प्रैक्टिस कराना है इस तरह की। आपको डैश डैश देके इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है, बिटवीन लेटर, आफ्टर, बिफोर, ऐसे करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग आते हैं राइम्स में। राइम्स में उन लोगों का इससे पहले जो कराना है, हम लोग इस पेज नंबर 12 तक ऑलरेडी करा चुके हैं, तो हम लोग को अभी 14 से आना है। रेल जो है बच्चों की, यह रेल चली, किधर चली, यहाँ कहाँ चली, जहाँ चाहो बस वहाँ चली, घर आंगन में, गली गली, बहुत इजी है। तो ये फाइनल के लिए। खिलौने वाला, खिलौने वाला आया है, सुंदर खिलौने लाया है, तोता, गुड़िया, मोटर, रेल और कई तरह के सुंदर खेल। तो ये वाला करवाना है। फिर नेक्स्ट है गुब्बारा। मैं हूँ एक गुब्बारा, बच्चों का खिलौना प्यारा, चांद सितारों को छू आता, नीले गगन में उड़ जाता।
आलू गोभी, आलू गोभी भिंडी बैंगन, भरी हुई स्टेशन बैंगन, बच्चों इसे दिखाओ झंडी और पहुंचा दो सब्जी मंडी। तो थोड़ी सी आप लोग लैंग्वेज जो टोन चेंज करेंगे तो बच्चों को थोड़ा मज़ा आएगा, एक्शन के साथ कराएंगे तो और अच्छी बात है। और इसमें तो उन लोगों को सब्जियों के नाम जो है वो हिंदी में यू नो आएगा। प्यारी गाय, भोली भाली प्यारी गाय, बड़े काम की न्यारी गाय, अगर न दूध देती गाय कैसे पीते धौली चाय। पुसी बिल्ली, पुसी बिल्ली खीर खाती लप 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 जीभ हिलाती, सारी खीर खत्म हो जाती तब मुझो पर जीभ पिटाती। तो आपको बच्चों को बस यहाँ तक इनमें से कोई भी फोर राइम्स आप लोगों को कराना है। हाँ, ये वाला जो है वो गोल गोल आसमान में चंदा गोल, दादी जी का डंडा गोल, दादी माँ का दादी माँ की ऐनक गोल, पापा जी के पैसे गोल, मम्मी कहती रोटी गोल, बच्चे कहते लड्डू गोल, मैडम कहती दुनिया गोल, सब कुछ लगता गोल मटोल। तो ये लास्ट है, यहाँ तक आप लोगों को बच्चों को राइम्स कराना है। तो आप लोग ये सारे राइम्स कराएंगे, इसमें से कोई भी फोर जो है वो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस कराना है। अब इसमें चित्रों को सही देखकर अक्षरों के सामने सही निशान लगाना। ये क्या है, गाय है तो गाय के सामने, म से मछली, ट से टमाटर, बड़ा उसे ऊंट, ख से खरगोश, अ से अनार। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, तभी सारे क्लास की सारे सब्जेक्ट की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।